शहर के फर्न होटल के बाहर रतनाड़ा थाने के कांस्टेबल और दो युवकों के बीच में हुए विवाद के चलते मामला बढ़ गया। इसके चलते कांस्टेबल ने बीच सड़क पर पिस्तौल तान दी। हालांकि इससे पहले युवकों ने कांस्टेबल पर 3 बार गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, जिसके चलते उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। कांस्टेबल केसर सिंह की रिपोर्ट पर रतनाड़ा थाना पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 1 को पुलिस ने गिरफ्तार भी करके गाड़ी जब्त कर ली है। इधर आरोपी युवक के परिजनों का आरोप है कि उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है, जबकि थानाधिकारी सत्यप्रकाश का कहना है कि आरोपी की रिपोर्ट को हमने कांस्टेबल की रिपोर्ट के साथ ही मर्ज कर दिया है, उसकी भी जांच की जाएगी। जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात को थाना क्षेत्र के फंड होटल में कांस्टेबल केसर सिंह होटल फंड की लॉबी में था। वहां जालोर निवासी अरविंद विश्नोई और मूलेंद्र सिंह से कहा सुनी हुई। होटल के नीचे आ गए तो विवाद चलता रहा। कांस्टेबल ने दोनों को वहां से निकलने को कहा। मैं रतनाड़ा थाने से हूं। इस पर दोनों युवक तैश में आ गए तो कांस्टेबल ने पिस्तौल तान दी। हालांकि पुलिस इससे अभी इनकार कर रही है। रतनाड़ा थाने पर एक कांस्टेबल द्वारा हमें रिपोर्ट मिली कि गत रात्रि को किसी पार्टी से जब नीचे आ रहा था तब नीचे थार गाड़ी में 2 व्यक्ति बैठे थे जिन्होंने शराब पी रखी थी और वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तो होटल मालिक ने जब उसको बताया किस तरह से छेड़छाड़ कोई कर रहा है लड़कियों के साथ, तो वो मौके पर गए और उनकी आपस में जो बातचीत हुई उसको जो थार में बैठे थे आरोपी उन्होंने अदरवाइज लिया और उस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ। इसकी गंभीरता को देखते हुए हमने 307 धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी जो कांस्टेबल है उसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है और उसमें से 1 आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी अरविंद विश्नोई का भाई भी पुलिस अधिकारी है। उसके विरुद्ध कोई पूर्व में मामला नहीं है। दूसरे आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने जालोर टीम भेजी है। इस बात का सवाल उठ रहा है कि नॉन ड्यूटी कांस्टेबल पिस्तौल कहां से लेकर आया। अगर सरकारी पिस्तौल नहीं थी तो क्या वैध पिस्तौल थी? इसको लेकर के कोई बोलने को तैयार नहीं है। पंजाब केसरी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डोडी की रिपोर्ट।